इंदौर में वाल्मीकि समाज की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पंचायत के अध्यक्ष और समाज जन शामिल हुए। इंदौर में वाल्मीकि समाज की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक के माध्यम से समय की उन्नति और समस्या को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। समाज की सभी पंचायत के अध्यक्ष और समाज जनों ने इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यह बैठक इंदौर के गांधी हॉल में आयोजित हुई। बैठक में इंदौर शहर वाल्मीकि समाज महा वाल्मीकि पंचायत के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने अपने ओजस्वी उद्बोधन से समाज जनों का मार्गदर्शन किया। साथ ही शिक्षाविद अमृत लाल नाहर, समाज सेवी कृष्ण गोपाल चौरसिया, समाज सेवी लेखराज नागोले, राजू भैया, टोनी पहलवान चौरसिया ने भी अपने विचार रखे। आयोजन का सफल संचालन कर रहे ओजस्वी वक्ता रवि खोकर ने भी समाज को संबोधित किया। बैठक के माध्यम से समाज को एकजुट रखने और काम में आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा की गई। ये वाल्मीकि समाज की जो हमारी चारों पंचायतें हैं, इंदौर शहर में वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जन जो निवासरत हैं, जो आए दिन समाज का चिंतन करते हैं, तो आज पहली बार यानी हमारी बैठकें पंचायतें यूनियनों के माध्यम से कई बार होती है, लेकिन सामाजिक बैठक, सामाजिक चिंतन गांधी हॉल परिसर में आज पहली बार हो रहा है। इसमें वाल्मीकि समाज के संपूर्ण राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, समाज सेवी पंचायतों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है और 5 विषय रखे हैं कि हमारा एक तो महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मने। हमारे वाल्मीकि समाज की पहली बार मध्य प्रदेश में हमारे सुमित्रा वाल्मीकि जी को राज्यसभा में लिया, उनका सम्मान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर होगा। मुख्यमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है, उन्होंने हमें हाँ की है कि वाल्मीकि जयंती इंदौर में धूमधाम से मनाओ और मैं आऊँगा। तो एक तो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राएँ हैं, जो हमारे समाज से भी हैं, उनका भी सम्मान यहाँ किया जाएगा। अनुसूचित जाति में बड़े हमारे नेता सत्यनारायण जटिया जी, उनको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया, उनका भी सम्मान होगा। इस प्रकार यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर किया जाएगा। इसी के साथ साथ समाज के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक विकास को लेकर भी आज चिंतन बैठक है। हमारा इंदौर शहर का लगभग 5,000 कर्मचारी 7,000 रुपये का वेतन पा रहा है मास्टर पर, उनका 2007 से लेकर 2017 तक का विनियमितीकरण नहीं हुआ है,